संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है। स्पीकर ओम बिरला वहां पर पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण संसद के पटल पर रखेंगी और उसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो कयास हैं वो खत्म हो जाएंगे और देखने को मिलेगा कि आखिर क्या है इस बजट भाषण में। तो चलिए शुरुआत होने जा रही है। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करती हूं। यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचें। हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हम पूरा विश्वास है कि जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बड़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुदेव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं।